नमस्कार, स्वागत आपका नीलम पवार डेली तड़का में। आपका अपना चैनल। आज बनाएंगे कटहल का स्वादिष्ट सा अचार। ये मैंने 1 किलो कटहल सब्जी वाले भैया से छिलवा के कटवा लिया था, तो उसने थोड़े से मोटे मोटे पीस काट दिए। इसके जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं निकाल दूंगी, ये थोड़ा हार्ड होता है, और इसके थोड़े छोटे पीस कर लेंगे। आप चाहो तो मोटे पीस भी रख सकते हो, पर थोड़ा छोटे पीस करने से हमारा अचार थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। पर सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, कटहल को काटते टाइम चाकू और हाथों पर सरसों का तेल लगा लेना है, नहीं तो इसके अंदर से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो हमारे हाथ और चाकू पर पूरा चिपक जाएगा। इसके मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज के पीस कर लिए। मैंने 2-3 बार इसको अच्छी तरह से साफ पानी से धो के और इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसको 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम के ऊपर स्टीम करना करेंगे, जिससे हमारा कटहल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम हमारे को फुल ही रखनी है। ढककर 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देते हैं। मेरे कटहल को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हल्का सा ये सॉफ्ट हुआ है, देखो मेरा कटहल हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। हमारे को बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, परफेक्ट। इसको तब तक इसका, वैसे तो गिल्ला नहीं है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, पर फिर भी आधा घंटा के लिए फैन की हवा में डाल के रख के इसको बिल्कुल सुखा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आधा घंटा में बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। हमारा कटहल तब तक फैन की हवा में सूखता है, तब तक हम अपने मसाले थोड़े ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 50 ग्राम ली है मेथी दाना, मैंने 50 ग्राम काली सरसों, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। दो टीस्पून अजवाइन, दो टीस्पून कलौंजी या काला जीरा, ये हमारा मसाला सारा ड्राई रोस्ट हो गया। इसको ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लेंगे। मेरा मसाला ठंडा होता है तब तक मैं अपना तेल गरम कर लेती हूँ। ये करीब 150 ग्राम के करीब मैं धुआं उठने तक अपना तेल गरम करूंगी। अचार हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो
तो आपके यहाँ जो तेल खाया जाता है आप उसका भी यूज कर सकते हो। मेरा तेल में धुआं उठना स्टार्ट हो गया। स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मेरा कटहल अच्छी तरह से सूख गया, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ये तेल में डाल के अब थोड़ी सी देर के लिए मैं तेल में अपने में हल्दी पाउडर करीब 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, ये मसाला जो मैंने भुना था दरदरा सा इसको पीस लिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखो मेरा अचार का कलर कितना सुंदर कलर आया इसका। खट्टे के लिए मैं इसमें डालूंगी व्हाइट विनेगर करीब 2 टीस्पून, इससे हमारा अचार का टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा और ये हमारा अचार खराब भी नहीं होएगा। स्वादिष्ट कटहल का अचार आओ आप सब भी इंजॉय करो। इसको 2-3 दिन के लिए हमारे को धूप में रखना है।